हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास सेवेंथ की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 3 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, मुगल साम्राज्य। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो देखो बेटा, मुगलों की जो आमदनी थी, जो मुगलों के पास पैसा आता था, वो कहाँ से आता था? जो किसान थे, जो अपनी उनकी उपज होती थी, उसमें से जो राजस्व, जो कर निकलता था, वो मुगलों की आमदनी का मुख्य हिस्सा था। अधिकतर स्थानों पर किसानों ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। जो किसान थे, देखो अब ऐसा तो था नहीं कि मुखिया जाके हर किसान से क्या लेगा, कर लेगा। तो इसके लिए क्या किया गया था, हर एरिया पर एक मुखिया बना दिया गया था या स्थानीय सरदार बना दिए गए थे, जिनके माध्यम से क्या किया जाता था, राजस्व लिया जाता था। तो देखते हैं, अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। कैसे राजस्व? सीधा राजा को नहीं देते थे या मुखिया को, उसको नहीं देते थे मुगलों को, वो किसको देते थे, जो मुखिया बना दिया जाता था उसको कर देते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अब देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जो किसान थे वो क्या करते थे, कर देते थे, किसको देते थे, जो ग्रामीण कुल या जो मुखिया बनाया जाता था, और उस मुखिया को क्या कहते हैं, जमींदार। और ये जमींदार क्या करते थे, जो ये कर लिया गया ये आगे मुगलों को देते थे। देखो यहाँ पे ये बात समझनी है कि देखो सबसे ज़्यादा आय कहाँ से होती थी मुगलों की, किसानों की उपज से जो आय होती थी, जो उसको कर देते थे उससे होती थी। और ये जो किसान है अपना कर ये किसको देते थे, मुखिया को देते थे, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या कहा गया, जमींदार कहा गया। और ये जमींदार क्या करते थे, उसको फिर आगे दे देते थे। ठीक है, आगे देखते क्या कहा गया बेटा। पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो, अकबर के राजस्वामी मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। देखो क्या कहा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य के जो अकबर थे, उनके जो राजस्वामी मंत्री टोडरमल, याद करेंगे आप नाम क्या है, टोडरमल, अकबर के राजस्वामी मंत्री जो थे टोडरमल, उन्होंने 10 साल की अवधि तक क्या किया, कृषि में कितनी पैदावार हो रही है, उसकी कितनी कीमत है, और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। टोडरमल ने क्या किया था, सावधानीपूर्वक सब का सर्वेक्षण किया था। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। अब उन्होंने क्या कर दिया गया, देखो जो टैक्स लिया जा रहा है किसानों से, उसके लिए क्या किया गया, पहले अकबर के जो स्वामी थे, जो रसल स्वामी थे, उन्होंने क्या किया, टोडरमल ने क्या किया, अच्छी तरह निरीक्षण किया कि एक्चुअली फ़ायदा कितना हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आंकड़े बना करके किस तरह से किस फसल में कितना फ़ायदा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग राजस्व निर्धारित किया गया, निश्चित किया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। अब जैसे कि ये सूबा है, उसको मंडलों में बांट दिया कि यहाँ पे ये जमींदार कर लेगा, यहाँ पे ये जमींदार कर लेगा, और यहाँ पे ये जमींदार कर लेगा। तो प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाएगी, जो जैसी फसल लगा रहा है उसकी कितनी कमाई है, उसके अकॉर्डिंग उस पर कर लगाया गया है। कर का मतलब है टैक्स। कर का मतलब क्या है बेटा, टैक्स है। राजस्व प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा गया, जब्त कहा गया। कि किस तरह से पहले मंडल बना दिए गए, प्रत्येक मंडल पर अलग अलग फसल के अकॉर्डिंग क्या लिया गया, टैक्स लिया गया, जिसे क्या कहा जाता है, जब्त कहा जाता है। उसके बाद देखो आगे क्या कहा गया, जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। तो जब्त व्यवस्था कहां प्रचलित थी, जहां पर मुगल जो प्रशासनिक अधिकारी थे भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक हिसाब रख सकते थे। मतलब एक तो देखो कमाई अच्छी हो, ऐसी जगह पर कर लेने का फायदा है ना, तो मुगल प्रशासनिक क्या कर सके, भूमि का निरीक्षण कर सके और उसका हिसाब कर सके, तो ऐसी जगह पर ही जब्त व्यवस्था ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इसका निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ये निरीक्षण करना बंगाल और गुजरात के माध्यम के जैसे स्थानों पर संभव नहीं हो पाया। तो एक बार हम देखते हैं बेटा, देखो क्या कहा गया, ध्यान से समझिए। पहले यहाँ पे बताया गया कि टोडरमल क्या थे, उन्होंने पूरी अच्छे से इसका निरीक्षण किया कि किस तरह से कृषि पे में फायदा हो सकता है। उसके बाद उन्होंने आंकड़े तैयार किए कि किस फसल पर कितना टैक्स लेना चाहिए, और फिर उनको जो सूबेदार जो थे मंडल, ये उनका एरिया था सूबे, उनको क्या किया, छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, और वहाँ पर क्या किया गया, किसानों के द्वारा जो कर लिया गया, किसानों से द्वारा जो कर लिया गया वो कौन लेता था, मुखिया लेता था, और मुखिया कौन था, जमींदार, और ये जमींदार आगे कर किसको देता था, मुगलों को देता था।
ठीक है, देखिए सब एक दूसरे से मिला हुआ है। अब आगे देखते हैं, कुछ क्षेत्रों में अब जमींदार जो टैक्स ले रहे थे, अब देखो जमींदार की अलग बात होगी, जो जमींदार टैक्स लेते थे वे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह भी कर सकते थे। अगर अब मुगल प्रशासन क्या जो थे ये जमींदार थे, टैक्स ले लेके उनको क्या कर दिया, इतना पावरफुल बना दिया कि वो क्या करने लगे कि अगर टैक्स दे रहे हैं तो उनको ऐसा लगने लगा कि भाई वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जो भी मुगल प्रशासन क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। अब देखो यहाँ पे किसान है, ये किसान किसको कर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं जमींदार को, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। अब कभी कभी ये दोनों मिलकर ये किसके अगेंस्ट हो जाते थे, मुगलों के खिलाफ, ये किसके हो जाते थे, मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर देते थे, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया है, 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी। तो फाइनली हुआ क्या, देखो किसान और जो मुगल मिल गए, तो क्योंकि जो मुगल प्रशासन था वो बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहा था, फसल अच्छी फसल पे ज़्यादा टैक्स, इस तरह से टैक्स बढ़ रहा था, तो किसानों ने परेशान होकर क्या कर दिया, इसका विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, देखो ये रहा फर्स्ट का आंसर, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2, देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 2, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी। जमींदार की क्या भूमिका थी, जमींदार क्या करते थे, किसानों से कर लेते थे और वो मुगलों को देते थे, तो ये थी जमींदार की भूमि। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2, तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2, जमींदार किसानों से राजस्व लेते थे, जमींदार क्या करते थे, किसानों से राजस्व लेते थे और एकत्रित किए गए, इकट्ठे किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करा देते थे। वो क्या करते थे, अपने पास नहीं रखते थे, मुगलों को वापस या लिख दे सरकारी खजाने में या मुगलों को, तो जमींदार किसानों से राजस्व लेते थे और एकत्रित किए गए जो इकट्ठा किया गया राजस्व उसको जमींदार सरकारी खजाने में जमा करा देते थे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है, अकबर के राजस्व मंत्री का नाम बताइए। तो बताइए क्या है बेटा राजस्व मंत्री का नाम, मैं पहले भी समझाया मैंने, टोडलमर। तो क्या नाम है, अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडलमर, यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है, टोडलमर है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 आपका, ठीक है। अब हम करते हैं आंसर नंबर 4, देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है फोर्थ में, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। जब्त शब्द क्या था बेटा, अभी हम इसको पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से देखो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 4, प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, सूबे में बांट दिया और उसके अलावा जो फसल थी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कर लगाया, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, जब्त कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, फिफ्थ देखिए, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी। जब्त व्यवस्था अधिक कहाँ प्रचलित थी बेटा, वहाँ जहाँ भूमि का निरीक्षण किया जा सके। तो देखो जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर ज़्यादा प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक हिसाब रख सकते थे। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 5। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।